बाबा बागेश्वर नाथ की, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की, धीरेन्द्र नाथ शास्त्री महाराज की, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं आपके साथ अभिजय सिंह। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आ रहे हैं। जी हाँ, आज ही आने वाले थे, लेकिन कहा जा रहा है कि वो अब कल आएंगे। वहीं बात करें तो उनके स्वागत के लिए पटना के जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगाया गया है, लेकिन पटना के इनकम टैक्स पर एक ऐसा पोस्टर लगाया गया है जिसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पोस्टर में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बाबा बागेश्वर के पहले पर्चे में बड़ी बात, बिहार को मिलेगी सौगात। यानी साफ तौर पर जिस तरह से कहा जाए कि बागेश्वर धाम के बाबा जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उनके द्वारा जो उनके जो दरबार लगता है उसमें पर्चा लगाया जाता है, तो उसी तरह से लिखा हुआ है कि जो बाबा बागेश्वर आएंगे उसमें पर्चा लगेगा, तो बिहार को क्या क्या सौगात मिलेगा वो दर्शाया गया है कि कई बार टूटा अब अखंड होगा बिहार, हिंदू राष्ट्र के लिए बिहार होगा अग्रणी राज्य, बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा, जातीय राजनीति करने वाले को अंत होगा, अब लूट खसोट वाली सरकार नहीं आएगी, बिहार जंगल नहीं अब मंगल राज का नाम से जाना जाएगा, अपराध अपराधी और संरक्षक कानून के भेंट चढ़ जाएगा, बिहार में हर घर में बच्चे शिक्षित और नौकरी पेशी वाले होंगे, बिहार से पलायन जैसे समस्या खत्म होगी। यानी साफ तौर पर जिस तरह से कहा जाए कि बाबा बागेश्वर के दरबार में जो पर्चा लगाया जाता है वो पर्चा में लगेगा और बिहार को इतने सारे सौगात मिलेगा, ये जो पोस्टर लगाया गया है कृष्ण सिंह कल्लू के द्वारा लगाया गया, हम उनसे बात करेंगे। क्या कल्लू जी, इस पर्चा में क्या कुछ आप मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे भगवान का स्वरूप लोग धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बाबा बागेश्वर सरकार को मान रहे हैं, और मुझे पूरा उम्मीद है कि जो पहला पर्चा निकलेगा अपराध मुक्त बिहार, और जिन जिन बिंदुओं को हमने इस पे सजाया है और लिखा है और दर्शाया है, निश्चित तौर पे यह हम लोगों को विश्वास है, उम्मीद है कि यह सभी के सभी पर्चे में निकलेगा। चूँकि हर वह व्यक्ति विश्वास पे ही जीता है और सोचता है, उसी तर्ज पे हम भी सोच रहे हैं और समझने की प्रयास कर रहे हैं कि जो पर्चा निकले, इन सब चीज़ों का अगर पर्चा निकलता है तो बिहार की जो 14 करोड़ की जो आबादी है वो खुश होगी, और कहीं ना कहीं जंगल राज पार्ट 1 और जंगल राज पार्ट 2 से बिहार की जनता को निजात अगर लगता है कि हो पाएगा, तो निश्चित तौर पे बाबा का जो पहला पर्ची निकलेगा उसमें हम लोगों को संतुष्ट प्रश्न का उत्तर उसमें हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ढोंगी है, ऐसा कुछ नहीं, राजनीतिक में काफ़ी कुछ हो रहा है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, जिन लोगों के द्वारा बाबा बागेश्वर जी को ढोंगी कहा जा रहा है, वही लोग के घर में सबसे अधिक पूजा अर्चना की जाती है। साफ तौर पर देखा जाए तो आरजेडी, निश्चित तौर पर जो आरजेडी के जो सुप्रीमो हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी, जो बिहार के दोनों के मुख्यमंत्री के तर्ज पे लोगों ने इनको देखा भी है, और कहीं ना कहीं सबसे अधिक पूजा इन लोगों के घर में होता है, चाहे वो छठ पूजा हो चाहे वो नवरात्रा का पूजा हो। लेकिन पूजा अलग बात होती है, बाबा के अलग बात होते हैं, तो लेकिन उन लोगों का कहना है बाबा जो है धीरेन्द्र शास्त्री वो ढोंगी है, कई लोगों का कहना है। भैया, तेज प्रताप यादव जी भी कह रहे हैं, जो बिहार सरकार के माननीय मंत्री भी हैं, और तेज प्रताप जी कभी कृष्ण बनते हैं कभी शंकर भगवान का स्वरूप बन जाते हैं, आस्तिक हैं वो भी, नास्तिक नहीं हैं, और वही व्यक्ति इनका विरोध कर रहा है जो व्यक्ति सनातन धर्म को नहीं मानता है और कहीं ना कहीं वो इस्लाम को मानने के कगार पे चला गया। दूसरी बात कि बिहार में कोई भी ऐसा मुस्लिम संगठन के लोग हैं या कोई भी टीम या कोई भी मुस्लिम समुदाय के लोग इसका विरोध अभी तक नहीं किया है, आखिर क्यों, ये सवाल उनसे जाके पूछिए। लेकिन आपने तो एक इसमें पर्चा में लिखे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, भारत कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र यहाँ पर सभी धर्म सभी मذهب के लोग रहते हैं, तो कैसे हिंदू राष्ट्र? अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई भी व्यक्ति अपनी बातों को किसी भी प्लेटफॉर्म पे रख सकती है, और हमने अपनी बात को रखा है, और मुझे भरोसा है कि अपराध मुक्त का जो हमने जो सोचा है कि पहला पर्चा निकले, निश्चित तौर पर निकलेगा, मुझे आत्मा और विश्वास है। चलिए,
तो आपने देखा कि पटना इनकम टैक्स गोलंबर पर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर स्वागत के लिए एक पोस्टर लगाया गया और साफ तौर पर उस पर दर्शाया गया है कि जब बाबा बागेश्वर आएंगे तो पर्चा में बिहार को इस ये सब तोहफे दिया जाएगा। तमाम खबरों को न्यूज़ 1 नेशन के साथ नमस्कार।